गज्जू प्रभास की फिल्म का टीजर जो 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था अयोध्या में, उस समय से लेकर आज तक ये फिल्म का विरोध चल रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म को हेट मिल रही है। तो इसी पर प्रभास ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है ये फिल्म को लेकर और इसकी फिर से एडिटिंग के बारे में बहुत ही बड़ा बयान दिया है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस आप जानते हैं कि प्रभास एक साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, साउथ नहीं पूरे इंडिया के सुपरस्टार हैं। जब उन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली पैन इंडिया रिलीज किया था तभी से सारे इंडिया में उनके फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद उनकी जो 2 लगातार फिल्में राधे श्याम और साहो दोनों पैन इंडिया रिलीज हुई। तो फिर अब आदिपुरुष की जो न्यू मूवी है प्रभास की आदिपुरुष, ये भी पैन इंडिया रिलीज के लिए तैयार है। जब इसका टीजर रिलीज किया गया तो बहुत ही लोगों के बीच में खुशखबरी थी कि इसका ट्रेलर हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन जब इसका टीजर रिलीज किया गया तो सभी का मन उदास हो गया और सभी प्रभास को उलट नेगेटिव बात बोलने लगे। और इसका आज टीजर रिलीज होकर 13-14 दिन हो चुका है, अभी भी सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए विरोध चल रहा है। कुछ लोग तो इसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे थे कि हम तो बॉलीवुड को बॉयकॉट करना चाहते हैं, लेकिन साउथ की फिल्म भी ऐसी बन जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। और कुछ दिन पहले ही प्रभास का एक वीडियो वायरल हुआ था जो ओम राउत जो फिल्म के डायरेक्टर उनके ऊपर गुस्सा उतार रहे थे। तो फिर से प्रभास का एक नया बयान आया है। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, जो प्रभास है जो साउथ के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं आशीष राजामौली, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। और प्रभास ने कहा है कि ये फिल्म का हम लोग फिर से एडिटिंग करवाएंगे, ये फिल्म में जितने भी वीएफएक्स के और बहुत ही ज़्यादा कुछ खराब भी वीएफएक्स यूज किया गया है सबको हम लोग हटाएंगे, जो आशीष राजामौली है फिर से सब शूटिंग को एडिट करेंगे, वो अपने मन से सब इसका एडिट करके दिखाएंगे लोगों के बीच में। तो देखते ही इनका डिलीवरी कैसा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आशीष राजामौली है इनकी जो RR मूवी है और बाहुबली बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, और इसके बाद जो आशीष राजामौली की अगली फिल्म है वो महेश बाबू के साथ में है, वो भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, सुनने में आ रहा है कि वो जंगल एवेंजर होने वाली है। तो गाइस बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो गाइस आप कमेंट में बताइए क्या आपने आदिपुरुष का टीजर देखा है, और अब ये भी बताइए कि आशीष राजामौली आदिपुरुष का फिल्म का एडिट करेंगे तो आप देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, कमेंट में बताइएगा। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।